आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। गाड़ी में लिफ्ट देकर मुसाफिरों से लूट करने वाले बदमाशों की आज सुबह नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दो बदमाश घायल हुए। पुलिस ने इस घटना में दो घायलों सहित तीन को गिरफ्तार किया है। घायल इन बदमाशों की आज सुबह करीब 6:30 बजे नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस को इनपुट मिला था कि तीन बदमाश सेक्टर 44 से सेक्टर 98 वाले सर्विस रोड पर लोगों को लिफ्ट देने के बहाने लूटने की योजना बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो ये भागने के साथ पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में दो अभियुक्त जोवेद और पुष्पेंद्र गोली लगने से घायल हो गए, जबकि अरुण को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। थाना 39 में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज मॉर्निंग चेकिंग में सेक्टर 39 के क्षेत्र में जो महामाया फ्लाईओवर है वहाँ पर एक आइटन गाड़ी संदिग्ध दिखी थी, जिसमें तीन लोग सवार थे। उसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया गया, वो भागे। सर्विस रोड से भागने का प्रयास कर रहे थे, दोनों तरफ से घेराबंदी हुई और ये अपने आप को घेरा देखकर निकल के भागने का प्रयास किए। इन लोगों ने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें से तीनों में से दो घायल हुए हैं, उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाया हम लोगों ने और थर्ड को कॉम्बिंग में पकड़ा। पूछताछ में इन लोगों ने अपना नाम जावेद पुष्पेंद्र जो घायल हुए हैं और थर्ड अरुण जो कॉम्बिंग में पकड़ा गया। बेसिकली ये लोग सवारियों को बैठाकर और लूटपाट करते थे और कहीं दूर जगह पर लाकर छोड़ देते थे। इनके पोजिशन से ये जो टाइटन गाड़ी है, इसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ है, ये बरामद हुआ है। एक मोबाइल बरामद हुआ है, 48,500 रुपीज़ बरामद हुए हैं। बेसिकली 16/9 को हमारे यहाँ घटना घटी थी, जिसमें पिता पुत्र को लिफ्ट देकर के उनसे लूटपाट की गई थी। ये मोबाइल उन्हीं का है और उनके एटीएम कार्ड से लेकर के 50,000 रुपये निकलवाए गए थे। ये पैसा वही पैसा था इनके पास और उसके बाद ये वहाँ से उन लोगों को लाकर काफ़ी दूर जेवर क्षेत्र में फेंक दिए थे। आवाज आपके लिए, आपके हक के लिए सदन में उठती हैं आवाजें। आवाजें जो अक्सर तब्दील हो जाती हैं शोर में,